फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग नंबर सिस्टम का पार्ट 6 करेंगे जो कि घातांकीय भाग पर आधारित होगा। इसके लिए हम लोग कुछ नियम जान लेते हैं। पहला नियम है x पे पावर n माइनस 1 होगा तो x माइनस 1 से विभाजित पूरा पूरा हो जाएगा यदि n सम संख्या या फिर विषम संख्या हो। दूसरा नियम ये है कि x पे पावर n प्लस 1 x प्लस 1 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा यदि n विषम संख्या हो। ठीक है, तो इस पे ऐसे प्रश्न आते हैं जैसे कि आपको दे देगा 25 पे पावर 32 है और इसको 24 से विभाजित करना है और पूछेगा कि शेषफल क्या होगा, या फिर 18 पे पावर 15 दे देगा और कहेगा कि 17 से भाग देने पे शेषफल क्या होगा, या फिर कुछ प्रश्न ऐसे भी होते हैं कि विभाजित किया जाए तो किससे पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। अगर जैसे दे देगा कि मान लीजिए कि 26 पे पावर 30 है, ये एक ऑप्शंस दे देगा, बता बोलेगा ये किससे पूर्णतः विभाजित होगा, तो इस तरह का क्वेश्चन रहता है। तो हम लोग चलिए इसको समझने के लिए, इस रूल को पूरी तरह से समझने के लिए हम लोग कुछ एग्जाम्पल करते हैं। देखिए, फर्स्ट एग्जाम्पल में मैंने लिया है 68 पे पावर 88 बाई 67। ये देखिए x पे पावर n है, ठीक है, ये x है। तो ये देखिए पावर n जो है ये सम संख्या है। तो अगर हम लोग ये रूल नंबर फर्स्ट को देखिए, अगर इसको हम लोग x पे पावर n माइनस 1 बना दे तो x माइनस 1 से भाग लग जाएगा ये, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे कि ये है 68 पे पावर 88, ये देखिए 67 को हम लोग लिख सकते हैं ना, 68 माइनस 1, तो ये हो गया x माइनस 1। अब यहाँ भी हम लोग माइनस 1 करेंगे तो प्लस 1 कर देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग रूल ये जानते हैं इस x माइनस 1 x पे पावर n माइनस 1 से पूरा पूरा भाग लग जाएगा, ये तो पूरा इससे भाग लग जाएगा तो शेषफल कितना बचेगा, सिर्फ 1, ये शेषफल हो गया, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए, जैसे कि क्वेश्चन ऐसे भी दे देता है 45 पे पावर 50 होगा, ठीक है, माइनस 9 बाई 44, 44 से इसको भाग देना है तो शेषफल पता करना है। तो ये देखिए ये भी सम संख्या है, ठीक है, और ये देखिए पहले ये चेक कीजिए कि 44 को 45 कैसे बनाएंगे। तो इसको ऐसे बनाएंगे 45 माइनस 1, तो यहाँ भी माइनस 1 कीजिएगा, ठीक है। तो ये माइनस 9 है, इसमें से ही माइनस 1 निकाल लीजिए, ये देखिए कोई फर्क तो नहीं पड़ा, बस हम लोग इसको तोड़ के लिख दिए। अब ये देखिए ये वाला इससे पूरा पूरा भाग हो जाएगा, ये देखिए x माइनस 1 है, x पे पावर n माइनस 1 है, इससे ये भाग लग जाएगा तो ये क्या पता चलेगा, यहाँ सिर्फ माइनस 8 बचेगा लेकिन शेषफल माइनस में नहीं बचता है। तो इसके लिए हम लोग को जब भी माइनस में ये आ जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, जिससे कि जिससे भाग लगाने बोला है भाजक से हम लोग इसको माइनस कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, 75 पे पावर 65 प्लस 35 बाई 76। तो ये देखिए विषम संख्या है पावर में, सेवेंटी सिक्स को हम लोग 75 प्लस 1 लिख सकते हैं, ठीक है। तो रूल नंबर 2 में देखिए, अगर पावर विषम हो, ठीक है, x पे पावर n प्लस 1 हो, x प्लस 1 से विभाजित हो जाता है, या 35 है तो यहाँ प्लस 34 कर दीजिए, इन दोनों को मिला के 35 हो जाएगा। इसे देखिए ये वाला इसे कटा तो यहाँ पे 34 शेषफल बचेगा, ये तो इनसे पूरा पूरा कट जाएगा यहाँ पे, तो शेषफल 34 ही रह जाएगा, शेषफल हो जाएगा 34। एक और एग्जांपल देख लीजिए, 85 पे पावर है 97 माइनस 27, इसको भाग करना है 86। तो ये देखिए
विषम संख्या है 86 को हम लोग लिख सकते 85 प्लस 1, तो ये प्लस 1 है, यहाँ भी प्लस 1 बनाते हैं, प्लस 1 बनाएंगे तो ये कितना हो जाएगा माइनस 28, इसमें से प्लस 1 करेंगे तो वापस ये माइनस 27 हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए ये इससे कट जाएगा, ये इससे पूरा कट जाएगा, शेषफल बच जाएगा माइनस 28। तो जब भी शेषफल अगर माइनस में आ जा रहा है तो क्या करिएगा, शेषफल निकालने के लिए जो भाग देना है, जिससे जो भाजक है उससे इसको माइनस कर लीजिएगा। अगर आप लोग को एग्जाम्पल समझ में आ गया तो चलिए इस पे कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। अगर आप लोगों को अभी भी कोई डाउट है तो आप लोग इसको फिर से एक बार रिपीट करके सारे एग्जाम्पल को समझ लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 67 पे पावर 67 प्लस 67 को 68 से भाग देने पर क्या क्या शेष बचता है। देखिए ये तो है 67 पे पावर 67, ठीक है, इसको कैसे बनाएंगे, प्लस 1 कर देंगे, 67 प्लस 1, यहाँ पे ऊपर में भी प्लस 1 करना है। ठीक है, तो 67 में से प्लस 1 निकाल लेते हैं, ये 66 बचेगा। देखिए ये तो इससे कट जाएगा, शेषफल बच जाएगा 66, ऑप्शन नंबर सी। सेकेंड क्वेश्चन देख लेते हैं, इसमें भी कह रहा है कि ये 2 पे पावर 31 है, इसको क्या किया जाता है, को 5 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल कितना होगा। तो ये देखिए इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ 5 है ना, ये 2 है, तो हम लोग जब भी होता है तो x प्लस 1 करते हैं, लेकिन यहाँ पे किसी भी तरह से ये 2 नहीं आएगा, तो इसमें हम लोग क्या कर देंगे, देखिए इसको 2 इंटू 2 पे पावर 30 लिख सकते हैं ना, ये देखिए 30 यहाँ पावर 1 है, तो गुना में पावर जोड़ देते हैं 31 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको ब्रेक कीजिए, ऐसे करने से क्या फायदा हुआ, ये देखिए 4 पे पावर 15 मिल गया। अब देखिए हम लोग 5 को बना सकते हैं ना, 4 प्लस 1 2 को हम लोग यहाँ पे इंटू में कॉमन कर ले, तो यहाँ पे हम लोग इसको 4 को लिख सकते हैं ना, यहाँ पे देखिए 4 पे पावर 15 प्लस 1 माइनस 1, प्लस 1 करके माइनस 1 कर लिए तो वैल्यू में तो कोई फर्क नहीं पड़ा, ये देखिए ये इससे कट जाएगा, शेषफल माइनस 1 बचा और यहाँ इंटू 2 है तो माइनस 2 आया, तो माइनस में शेषफल नहीं होता है तो हम लोग क्या करते हैं, भाजक से इसको माइनस कर देते हैं 3, यानी कि शेषफल क्या हो जाएगा 3, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2 पे पावर 16 माइनस 1 निम्नलिखित में से किससे विभाजित होगी, ये ऑप्शंस जो दे रखा है 11 13 17 19 में से किससे विभाजित होगी, तो इसके लिए हम लोगों को इसको थोड़ा तोड़ के लिखिए, अगर इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, पावर का पावर में इंटू होता है 8 2 16, देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, 2 पे पावर 8 प्लस 1 ए प्लस बी टू ए माइनस बी, 2 पे पावर 8 माइनस 1,
अब इसको क्या कर सकते हैं, 2 पे पावर 8 कितना होता है, 256 प्लस 1, 256 माइनस 1, यहां से कितना हो जाएगा ये 256 प्लस 1 257 इनटू 255। लोग 257 विभाजित नहीं होगा, 255 का गुणनखंड करेंगे तो ये हो जाएगा 3 इंटू 5 इंटू 17। तो देखिए ये गुणनखंड में 17 आया है तो ये 17 से विभाजित होगा ये संख्या, ऑप्शन नंबर सी। ये देखिए 3 से भी विभाजित होगा, 5 से भी होगा, अगर 15 पूछता तो 15 से भी होता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थ्री पे पावर 25 प्लस 3 पे पावर 26 प्लस 3 पे पावर 27 प्लस 3 पे पावर 28। यहाँ से 3 पे पावर 25 को अगर कॉमन कर लें तो आ जाएगा 1 प्लस 3 पे पावर 1 प्लस 3 पे पावर 2 प्लस 3 पे पावर 3। ये देखिए 3 पे पावर 25 को बाहर कर लिए तो 1 बचा, ये 25 यहाँ से बाहर कर लिए ये 26 है तो 3 बचा, इंटू में पावर प्लस कर देंगे तो ये देखिए 25 प्लस 1 26 है, 25 प्लस 2 27 है, 25 प्लस 3 28 है। अब यहाँ से हम लोग 1 प्लस ये 3 हो जाएगा, 3 3 9 और 3 पे पावर 3 27, ये सबको प्लस कर देंगे तो प्लस करने पे आ जाएगा 40। देखिए 40 तो ऑप्शन में नहीं है तो हम लोग इसको एक काम कर सकते हैं, इसको अगर 3 पे पावर 24 कर दे तो यहाँ से एक 3 बाहर आ जाएगा, 3 इंटू 40 हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए, ये देखिए 30 से कट रहा है ना, ये पूरा संख्या 30, ये तो 30 से कट जाएगा। ठीक है, और ये भी देखिए 3 से कटेगा तो ये पूरी संख्या क्या होगी, 30 से विभाजित होगी, ऑप्शन नंबर डी।